नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आपके बीच में उपस्थित हैं। 73 वर्षों में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों की कमर तोड़ डाली गई है। आर्थिक तबाही और वित्तीय आपातकाल में देश को धकेला जा रहा है। धड़ाम गिरती जीडीपी इसका जीता जागता सबूत है। नोटबंदी, जीएसटी और देशबंदी मास्टर स्ट्रोक नहीं, डिजास्टर स्ट्रोक साबित हुए हैं। आज देश में चारों ओर आर्थिक तबाही का घनघोर अंधेरा है। रोजी रोटी रोजगार खत्म हो गए हैं तथा धंधे व्यवसाय और उद्योग ठप पड़े हैं। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और जीडीपी पाताल में चली गई है। देश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला जा रहा है। 6 साल से एक्ट ऑफ फ्रॉड से अर्थव्यवस्था को डुबोने वाली मोदी सरकार अब इसका जिम्मा एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान पर मंडकर अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। साफ ही तो है, जो भगवान को भी धोखा दे रहे हो वो इंसान और अर्थव्यवस्था को कहां बख्शेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ गंभीर मुद्दों पर आऊं, सरकार का अहंकार किस प्रकार से सर चढ़कर बोल रहा है, हम आपको 2-2 सेकंड की 10 स्लाइड्स दिखाना चाहेंगे और फिर मैं अपनी बात जारी रखूंगा। श्री रोहन गुप्ता जी, कृपया करके वो स्लाइड्स चालू करें। जी जी सर, दिस इज द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। अगर ये कहें कि कार की बिक्री कम क्यों हो गई, तो कहेंगे कि लोग अब टैक्सी में चलने लगे हैं। हिंदी नेक्स्ट गौरव। नेक्स्ट प्लीज। अगर कहें प्याज की कीमतें क्यों बढ़ गई, तो कहेंगे हम तो प्याज ही नहीं खाते। नेक्स्ट प्लीज। अगर कहें नेक्स्ट नेक्स्ट अगर कहें कि जीएसटी इतनी पेचीदा क्यों है, तो कह देंगे कि कानून ही ऐसा है। तो ये कानून बनाया किसने? अगर कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है, तो कहेंगे कि इसके लिए भगवान जिम्मेवार है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर कहेंगे कि नौकरियां क्यों जा रही हैं, तो कहेंगे कि नौकरियां जाना देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अगर कहेंगे कि अर्थव्यवस्था पर कोरोना का क्या कोई असर होगा, तो कहेंगे कि कोई असर ही नहीं पड़ता, ये देश के वित्त मंत्री कह रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर कहें कोरोना पर विजय कैसे पाएं, तो कहेंगे 21 दिन में ताली और थाली बजाइए और मोमबत्ती जलाइए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। कोरोना का क्या इलाज है, कोई कहेंगे गो कोरोना गो, ये भारत सरकार के मंत्री हैं। कोई भाभी जी पापड़ बेचकर और खिलाकर कोरोना भगा रहा है, तो कोई शंख बजाकर। नेक्स्ट प्लीज। चीन को कैसे हराएं और अर्थतंत्र को कैसे बचाएं, इसका एक ही सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है, मोदी जी मोर के साथ फोटो खिंचवाएं। ये इस सरकार की अब हालत है। कोरोना के बारे में स्वास्थ्य मंत्री देश के क्या कहते हैं, वो कहते हैं कोरोना महामारी ही नहीं। डन हो गया। थैंक यू दोस्तों। हम 5 मुद्दे आपके समक्ष आज रखने वाले हैं। पहला, जीडीपी, इसका अब नया मतलब हो गया है जी गिरती, डी डूबती और पी पिछड़ती अर्थव्यवस्था। 73 साल में पहली बार जीडीपी पहली तिमाही में घटकर -24% होने का मतलब है कि आम आदमी की औसत आय धड़ाम से गिरेगी। जीडीपी के ध्वस्त होने के असर का साधारण व्यक्ति पर आकलन करते हुए एक्सपर्ट्स 2019-20 की प्रति व्यक्ति सालाना आय
जो 1,35,050 रुपए थी उसका हवाला देकर उदाहरण से बताते हैं कि अगर 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 24% गिरी और दूसरी तिमाही जो अब खत्म हो गई है लगभग, तो उसमें भी इसी प्रकार से या इससे बुरी तरह से गिरेगी, तो पूरे साल में अगर 11% भी जीडीपी में कमी आई तो आम जनमानस की आय 15,000 रुपया सालाना कम हो जाएगी। साल 2020-21 में आय बढ़ने की बजाय आम भारतीय की आय में 15,000 रुपया सालाना की गिरावट आएगी। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ टैक्सों की भरमार और तीसरी तरफ मंदी की मार, ये तो मिलकर आम जनमानस को मार डालेंगे यार, सच्चाई यही है। दूसरा, टूटा सबका विश्वास और छोड़ा सबका साथ। लोगों का विश्वास इस सरकार से पूरी तरह उठ चुका है। दिस गवर्नमेंट इज नॉट ओनली फेसिंग ए कॉन्फिडेंस डेफिसिट बट ए कंप्लीट कोलैप्स ऑफ कॉन्फिडेंस। लघु छोटे और मध्यम उद्योगों से पूछिए तो वो बताएंगे कि या तो बैंक कर्ज नहीं देते और ना ही कोई वित्तीय सुविधा देते और वित्त मंत्री की जबान का कोई ईमान नहीं बचा। उधर बैंकों को सरकार पर विश्वास नहीं बचा और सरकार का आरबीआई से विश्वास उठ गया है। प्रांतीय सरकारों का केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं बचा। चारों तरफ अविश्वास का आलम है। मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ का जुमला आर्थिक पैकेज भी डूबती हुई अर्थव्यवस्था, आर्थिक तबाही व गिरती जीडीपी को नहीं बचा पाया। टूटे विश्वास और छूटते साथ का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तीसरा पहलू, भयानक आर्थिक मंदी का सच क्या है? क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ का व्यापार और भ्रम का प्रचार कर रही पाखंडी मोदी सरकार सच्चाई का सामना करने से भाग रही है। पर सच्चाई और आंकड़े हैं क्या? और हमने 6 तथ्य आपके समक्ष इसमें रखे हैं। Roman 1, आर्थिक बर्बादी के चलते 40 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबी रेखा से नीचे धकेले जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है। Number 2, Roman 2, भयानक आर्थिक मंदी के बीच 80 लाख लोगों ने मजबूरन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जमा 30,000 करोड़ रुपया निकलवा लिया, जो कभी नहीं हुआ। Roman 3, अप्रैल से जुलाई 2000 के बीच, अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच 2 करोड़ नौकरी पेशा लोगों का की नौकरियां चली गई। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो लॉकडाउन में 10 करोड़ से अधिक नौकरियां चली गई। ये हम नहीं कह रहे, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी कह रहा है। देश की 6,30,00,000 एमएसएमई इकाई में से इनमें से केवल 1/4 इकाइयां ही 50% उत्पादन कर पा रही हैं। बाकी सब एमएसएमई इकाइयां या तो बंद पड़ी हैं या परमानेंट तालाबंदी की कगार पर आ खड़ी हुई है। ये एमएसएमई का आंकड़ा है जो उन्होंने दिया है। Roman 5, साल 2020-21 की पहली तिमाही में, जैसा आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जीडीपी -50% गिरी, ट्रेड होटल और ट्रांसपोर्ट में -47% की गिरावट आई, मैन्युफैक्चरिंग में -39.3% की गिरावट आई और सर्विसेज सेक्टर में 26% की गिरावट आई। यानी करोड़ों रोजगार चले गए
और भविष्य में रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं बची। एंड रोमन 6 जो और भी चौंकाने वाला है, 1 सितंबर 2020 यानी कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। उसमें चौंकाने वाली बात यह कही गई है कि 2020-21 में जीडीपी -10.9% या लगभग 11% गिरने वाली है। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, ये देश का लीड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, आप खुद आकलन कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट, केंद्र सरकार ही डिफॉल्टर हो गई है। प्रांतीय सरकारों का जीएसटी कंपनसेशन का पैसा देने तक से इनकार कर दिया और ये सीधे सीधे संघीय ढांचे पर आक्रमण है, वह आर्थिक अराजकता है। 73 साल में पहली बार केंद्र सरकार घोषित रूप से डिफॉल्टर है। वित्त सचिव ने 11 अगस्त 2020 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में जाकर यह कहा कि इस साल हमारे पास कोई पैसा केंद्र सरकार के पास जीएसटी कंपनसेशन का प्रांतीय सरकार को देने के लिए नहीं बचा। दूसरी तरफ अगर आप एसबीआई की कल 1 सितंबर 2020 की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि प्रांतों को जीएसटी कलेक्शन में 3 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होने वाला है। 3 लाख करोड़ रुपए का सालाना, कुल नुकसान 6,20,000 करोड़ का सालाना नुकसान प्रांतों को होगा। सवाल यह है कि प्रांत अपना खर्चा कहां से और कैसे चलाएंगे। 6,20,000 करोड़ में से अगर 3 लाख करोड़ कर्जा भी ले लें तो उसका ब्याज वापस देंगे कैसे। क्या केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों के जीएसटी का हिस्सा देने से इनकार कर सकती है। ये संघीय ढांचे पर आक्रमण नहीं तो क्या, ये आर्थिक अराजकता नहीं तो क्या। और पांचवा, किसान के साथ साथ मजदूर और मध्यम वर्ग पर सुनियोजित हमला बोला जा रहा है। इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू, 31 अगस्त 2020 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर मोदी सरकार ने 1 सितंबर के बाद नौकरी पेशा लोगों और मध्यम वर्गीय लोगों की ईएमआई का मोरेटोरियम आगे बढ़ाने से, यानी भुगतान आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को पूरी तरह से ब्याज में छूट देने से भी इनकार कर दिया। कॉरपोरेट सेक्टर को तो 1,45,000 करोड़ की टैक्स छूट दी जा सकती है। साल 2019-20 में 1,85,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो सकते हैं, परंतु मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास जो हैं, उनकी ना ईएमआई का मोरेटोरियम बढ़ाया जा रहा और ना ब्याज में छूट दी जा रही है। जले पर घाव छिड़कना नहीं तो क्या। दूसरा पहलू, किसान और मजदूर का नाम लेकर अपनी झूठी पीठ थपथपाने वाली मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के किसान और खेत मजदूर को आत्महत्या की ड्योढ़ी पर पहुंचा दिया है। एनसीआरबी का ताजा आंकड़ा जो कल जारी हुआ है वो ये दिखाता है कि 2019 में 42,480 किसान और मजदूरों ने आत्महत्या की, यानी हर रोज 116 किसान मजदूर आत्महत्या के काल के ग्रास बन रहे हैं, पर सरकार क्या कर रही है। तीसरा पहलू, यही हाल बेरोजगारों का भी है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट ये दिखाती है कि साल 2019 में 14,019 बेरोजगार आत्महत्या को मजबूर हो गए क्योंकि रोजी रोटी और रोजगार नहीं। यानी देश में प्रतिदिन 38 बेरोजगार आत्महत्या को मजबूर हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री रात को सो कैसे पाते हैं, जिस देश में 116 किसान मजदूर और 38 बेरोजगार आत्महत्या की कगार पर खड़े हों, आत्महत्या को चूम लेते हों।
दोस्तों अहंकार में डूबी मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों की तरक्की, किसानों की मेहनत, युवाओं के रोजगार, सबको हराकर केवल अपने दल की जीत और स्वार्थ सिद्धि में लगी है। विकराल आर्थिक संकट की इस घड़ी में देश की तरक्की मोरों को दाना चुगाकर, फोटो अपॉर्चुनिटी बनाकर, आत्म मुग्ध प्रधानमंत्री द्वारा बार बार कपड़े बदलकर या उनके चापलूस दरबारी नहीं कर सकते। इसके लिए टेलीविजन से विजन, झूठ से सच, झांसों से वास्तविकता व कथनी से करनी तक का सफर तय करना अनिवार्य है। समय आ गया है कि देश को इस अंधेरी गुफा से निकालकर विकल्प के एक नए रास्ते पर ले जाया जाए, आर्थिक तबाही, बर्बादी व वित्तीय आपातकाल से उबरने का यही एकमात्र सूत्र है। हम आपको अंग्रेजी और हिंदी की विज्ञप्ति जारी कर देंगे और ये स्लाइड्स भी। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। प्रणव झा जी, प्लीज कोऑर्डिनेट। धन्यवाद सर, हम एक एक करके प्रश्न आमंत्रित करते हैं, कृपया इंगित करिए। इससे माफ कीजिए, मैं एक सिर्फ बात और जोड़ना चाहूंगा। पहली बात में मैं माफ कीजिए उससे शुरू करना चाहता था। अर्थव्यवस्था पर हमारे सम्मानित पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आज एक वीडियो और जारी किया है। एक वीडियो हम दो दिन पहले जारी कर चुके। इस प्रकार से हम चार वीडियोस एक के बाद एक राहुल गांधी जी के जारी करेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से जीएसटी हो, नोटबंदी जो आज के वीडियो में है, आर्थिक त्रासदी हो, तालाबंदी हो, इन सब ने किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है। क्योंकि रोजी रोटी, रोजगार, धंधा, व्यवसाय, इसकी बात कोई नहीं करता। मन की बात सब करते हैं, परंतु देश की बात कब होगी? और इसीलिए राहुल जी ने देश की अर्थव्यवस्था की बात का ये एक नया अध्याय शुरू किया है। और उसी कड़ी में आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया है। सवाल पूछिए। धन्यवाद सर। सैयद पूछना चाहते हैं आईएनएस से। सैयद जी। सैयद भाई सर, मेरा सोमोटो से अलग है विषय, अभी पूछा। अच्छा, नहीं फिर इंतजार करिए। सिद्धार्थ, सोमोटो पे सवाल आपका। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिद्धार्थ भाई पूछिए। सर नमस्कार। सर आप अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, इस बीच एक बड़ा बड़ा जो मूवमेंट है वो ये है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कहा कि वो जीएसटी की कंपनसेशन नहीं मिल रही है, इस सूरत में कर्जा ले सकते हैं। चार स्टेट ऐसी हैं, चार मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सरकार उनको जो है कर्जा लेकर दे वो कर्जा नहीं लेंगे। ऐसे में स्थिति कैसे बनेगी, क्योंकि राज्यों की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। कोरोना के केसेस कई ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश के अंदर भी 80-83 हजार केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारों के पास क्या विकल्प रह जाएगा, और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के भी कई शासित राज्य हैं जहां पर यही हाल है, कैसे इसको परस्यू करेगी? इस महत्वपूर्ण सवाल के लिए आपको साधुवाद। मोदी सरकार देश में आर्थिक अराजकता फैला रही है। मोदी सरकार ने देश के संघीय ढांचे पर हमला बोला है। मोदी सरकार देश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेल रही है। जीएसटी कानून के लिए प्रांत इसलिए सहमत हुए राजनीतिक गतिरोध से ऊपर उठकर, क्योंकि यह अनिवार्य था कि जीएसटी कंपनसेशन में प्रांतों का हिस्सा और साल दर साल 14% इजाफा दिया जाएगा। प्रांतों का टैक्स तो केंद्रीय सरकार यानी मोदी सरकार ने इकट्ठा कर लिया, परंतु इस साल 2020-21 में प्रांतों का जीएसटी कंपनसेशन का हिस्सा देने से
मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अगर केंद्रीय सरकार ही डिफॉल्टर घोषित डिफॉल्टर बन जाएगी तो देश कैसे चलेगा? अगर केंद्रीय सरकार ही प्रांतों का पैसा जबरन मार लेगी, चोरी कर लेगी, तो देश कैसे चलेगा? अगर केंद्रीय सरकार ही प्रांतों के जीएसटी के पैसे पर डाका डालेगी तो देश कैसे चलेगा? कांग्रेस के चारों राज्यों ने, और मुझे बताया गया है कि वामपंथी दलों ने तथा तृणमूल कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के इस सुझाव को कि आप कर्ज लो और प्रांत चलाओ सिरे से खारिज कर दिया है। क्या आप प्रांतों की संपत्ति बेचकर, क्या आप प्रांतों के लोगों के भविष्य को गिरवी रखकर ब्याज लेकर सरकारें चला सकते हैं? जवाब नहीं में है। इसके विपरीत मोदी सरकार जीएसटी के अलावा 4,00,000 करोड़ रुपया सालाना पेट्रोल डीजल व दूसरे सेस और सरचार्ज लेकर इकट्ठा कर रही है, उसमें से भी एक फूटी कोड़ी प्रांतीय सरकारों को नहीं दे रही। हमने ये कहा था कि 14वें वित्तीय आयोग की सिफारिश के अनुरूप सेस और सरचार्ज का 42% हिस्सा भी दिया जाए। और आखिरी पहलू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट जो मैं आपको भेज रहा हूं 1 सितंबर 2020 की, साफ तौर से कहती है कि कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के चलते जो जीएसटी कंपनसेशन का पैसा पहले से आना था उसमें भी 3,00,000 करोड़ कम प्रांतों को आएंगे और कुल घाटा प्रांतों को 6,20,000 करोड़ का होने वाला है। ऐसे में आप बताइए, प्रांत कर्ज लेकर प्रांतों के लोगों के भविष्य को गिरवी रखकर किस प्रकार से प्रांत चलाएंगे? मोदी सरकार द्वारा ये सीधे सीधे आर्थिक अराजकता है, आर्थिक आपातकाल है और संघीय धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बिलाल जी। रणदीप जी, सवाल है मेरा कि जिस तरह से आपने जो डाटा रखे और जो जिस तरह से रिपोर्ट्स आपने पेश रखी, क्या इसके आधार पर माना जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स कर गई है या फिर भी कोई गुंजाइश नजर आती है? मोदी सरकार के पास अर्थव्यवस्था सुधारने का एक ही इलाज है कि मोरों को दाना चुगाइए। नहीं लगता कि देश की अर्थव्यवस्था मोरों को दाना चुगाने से या 3 बार कपड़े बदलकर फोटो खिंचवाने से बदल पाएगी। देश की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने पाताल में पहुंचा दिया है। देश की जीडीपी 24% पहली बार 73 वर्षों में गिरी है। मोदी जी ये कहा करते थे कि जो 60 साल में नहीं हुआ मैं 60 महीने में कर दूंगा, वो सच कहते थे। जिस देश की जीडीपी कभी पिछले 73 साल में 24% नहीं गिरी थी, उस देश की जीडीपी को पाताल लोक में मोदी जी ने पहुंचा दिया। इस सरकार पर देश की जनता का विश्वास उठ चुका है, अर्थशास्त्रियों का विश्वास उठ चुका है, संस्थाओं का विश्वास उठ चुका है। और जब तक इस सरकार से छुटकारा नहीं लेंगे, देश की अर्थव्यवस्था, रोटी, रोजगार, उद्योग धंधे और व्यवसाय दोबारा नहीं चल पाएंगे। अब ये बिल्कुल साफ है। धन्यवाद। धन्यवाद। राकेश कपूर साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि 24% जीडीपी डाउन होने का सीधा मतलब ये है, सीधा अर्थ ये हुआ कि ये सरकार फेल हो गई है आर्थिक मोर्चे पर। तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या एक आर्थिक विशेषज्ञों का दल वित्त मंत्रालय के स्थान में स्थापित नहीं हो जाना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था को हम सुधार सकें? चूंकि ये तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक इमरजेंसी तो आ गई, आने वाली बात तो मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी बन चुकी है। जी कपूर साहब, देश को आर्थिक आपातकाल या इकोनॉमिक इमरजेंसी की ओर धकेल दिया गया है।
अगर मैं ये कहूं कि देश में इस समय इकोनॉमिक एनार्की है, आर्थिक अराजकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सरकार के नेतृत्व में तो ये गलत नहीं होगी। आर्थिक बर्बादी और देश की अर्थव्यवस्था को पाताल लोक की ओर धकेलने का काम मोदी सरकार ने किया है। अब सवाल ये है कि देश इससे उबरेगा कैसे। इस सरकार में ना सोच है, ना दृष्टि है, ना रास्ता है। हर बार जब आर्थिक आपातकाल की स्थिति जैसे उत्पन्न हुई तो ये टेलीविजन को ही विजन मानकर ध्यान भटकाने का या काम करते हैं। कभी गुफा में बैठकर ध्यान लगाकर, कभी मोरों को दाना चुगाकर, कभी दाढ़ी बढ़ाकर, कभी तीन तीन बार प्रधानमंत्री की बजाय परिधान मंत्री अपने आप को साबित करवाकर। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बोल क्यों नहीं रहे। उन्होंने देश को भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया है, और अब तो भगवान पर भी इल्जाम लगा रही हैं वित्त मंत्री कि इस सारी बात के लिए मोदी सरकार नहीं भगवान जुम्मेवार है। लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये भगवान को कठघड़े में खड़ा करके मुकदमा चलाएंगे। ऐसे में एक मेजर मेजर फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सर्जरी की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इस काबिल ना रहें कि वो देश को आर्थिक बर्बादी से बचा पाए, तो क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है। जब सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास और साधारण व्यक्ति उस पर टैक्सों के भार लाद दिए जाएं और दो या तीन पूंजीपतियों को पूरा देश बेचने की तैयारी कर ली जाए, तो क्या ऐसी सरकार को एक दिन भी पद पर बने रहने का अधिकार है। जब सत्ता में बैठे सत्ताधीशों को अपने वातानुकूलित कमरों में नंगे चलते करोड़ों मजदूरों के पांव के फफोले ना दिखें और ना आत्महत्या करता किसान और बेरोजगार दिखे, तो क्या ऐसी सरकार को एक सेकंड भी पद पर बने रहना चाहिए। ये देश के और आपके विवेक पर हम छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि मोदी सरकार शासन का अधिकार खो चुकी है। जितनी देर और रहेंगे देश को ये पाताल लोक की ओर और ज्यादा धकेलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणव भाई अनम्यूट योरसेल्फ। प्रणव जी अनम्यूट। हाँ प्रीति जी, क्या आपका सवाल सुमो मोटो पर है? सर हाँ, कनेक्टेड है। अच्छा, गो हेड मैम। जी सर। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त लद्दाख में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसा लगता है विशेषज्ञों की तो यही राय है कि हम युद्ध के मुहाने पर हैं। चीन हम पर युद्ध थोपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश में जिस तरीके से कोरोना के बाद हालात हैं और अर्थव्यवस्था की जो हालत है, अगर ऐसे में हम युद्ध जैसे हालात में प्रवेश करते हैं तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि देश की हालत और आगे कहां जाएगी? क्योंकि इस वक्त बेरोजगार और किसान जिस तरीके से आत्महत्याएं रोज कर रहे हैं, ये आंकड़े ऑलरेडी परेशान करने के लिए, डराने के लिए काफी हैं। लेकिन सरकार का सिर्फ ये दावा करना कि नहीं हम मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन वित्तीय हालत और बाकी तमाम जो स्थितियां हैं, क्या हम एक इमरजेंसी जैसे स्टेट में पहले से ही नहीं है? और लगता है कि अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो हम उससे निपट पाएंगे इन स्थितियों में? आपके सवाल के दो पहलू हैं। नंबर एक, कोरोना महामारी पर नियंत्रण में ये सरकार औंधे मुंह गिरी है। अगले दो दिन में जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, 40 लाख के आंकड़े को कोरोना का संक्रमण पार कर जाएगा। आज देश, पूरी दुनिया में 82,000 के करीब अब कोरोना संक्रमण प्रतिदिन है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। दुनिया में अब मौत की संख्या भी, प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या, दुर्भाग्य से भारत में अब दुनिया में सबसे अधिक है। अगर ये संक्रमण इसी गति से बढ़ता गया तो
तो बहुत जल्द कोरोना संक्रमण में भारत पहले पायदान पर अगले 10 दिन में होगा। ना पूरे बेड्स हैं, ना वेंटिलेटर्स हैं। आप प्रांतों में, जिलों में, मुफस्सिल में, मैं अस्पतालों में हर रोज जा रहा हूं, ये चौंकाने वाली बात है कि अस्पतालों में बेड्स की संख्या पूरी हो चुकी और अब मरीजों को आईटीआई स्कूलों या खेती के केंद्रों में भर्ती करवाया जा रहा है। ना वहां वेंटिलेटर है, ना डॉक्टर, ना पैरामेडिक्स, ना स्टाफ। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने कोरोना मरीजों को बजाय इलाज के उन्हें आत्मनिर्भर बनने पर छोड़ दिया है या भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कोरोना महामारी से संक्रमण के लिए नए बेड्स, नए अस्पताल, नए डॉक्टर्स, नए पैरामेडिक्स, नए नर्सिंग स्टाफ, इसके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए? अब तो सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे देश को ब्रीफिंग करना भी बंद कर दिया, जैसे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर और मोरों को दाना चुगाकर मोदी जी निफराम हो गए हैं। ये अपने आप में एक गंभीर संक्रमण का संकट है जो भारत को के लिए आज सबसे विकट और विकराल रूप लिए हुए है। इसके साथ साथ देश में आर्थिक आपातकाल के हालात हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात हैं। प्रांतों के पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं, प्रांतों के पास पेंशन देने का पैसा नहीं, प्रांतों के पास बुजुर्गों, विधवाओं को पैसा देने का पैसा नहीं, किसान और मजदूर के वेलफेयर का पैसा नहीं, तो सरकारें चलेंगी कैसे? क्योंकि हिंदुस्तान के लोग तो प्रांतों में रहते हैं, केवल 0.5% या 0.5% आबादी ही सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में है। दूसरी तरफ आप प्रांतों को जीएसटी कंपनसेशन का पैसा नहीं दे रहे, प्रांतों को 6,20,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस जीएसटी का इस साल हो रहा है। अगर 3,00,000 करोड़ कर्ज भी ले ले तो बाकी 3,20,000 करोड़ कहां से आएगा? क्योंकि भारत सरकार उनका पैसा खा गई, सब घोषित डिफॉल्टर हो गई, तो प्रांत चलेंगे कैसे? रोजी रोटी चलेगी कैसे? तनख्वाह देंगे कैसे? पेंशन देंगे कैसे? अस्पताल, बिजली और पानी चलेगा कैसे? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तीसरा संकट है चीन के दुस्साहस का। मैं आज विशेष तौर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमारी तीनों सेनाओं के जज्बे को सलाम करता हूं और उनकी बहादुरी के आगे नमन करता हूं हर कांग्रेस जन की ओर से, जो इस विकट विकराल परिस्थिति में भी चीन के तोपों के आगे, चीन की गोलियों के आगे, चीन के दुस्साहस के आगे अपना सीना ताने खड़ी है। हमें नाज है हमारी सेनाओं पर, हमें नाज है हमारे फौजियों पर, जो सर्वोच्च कुर्बानी देकर भी भारत मां की रक्षा कर रहे हैं। चीन ने अपने पैर अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख चारों ओर चीन पसार रहा है। मिसाइल बैटरीज और मिसाइल यूनिट्स लगाए जा रहे हैं। चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक चीन द्वारा निर्माण किया जा रहा है। हमारे एयरपोर्ट्स को चीन की मिसाइल की रेंज में लाया जा रहा है। परंतु भारत सरकार क्या कर रही है? सेना तो चीन को ठोस जवाब दे रही है, सेना पर हमें गर्व है, तीनों सेनाओं पर भारत सरकार की जिम्मेवारी क्या है? इन तीनों पहलुओं पर देशवासियों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैनेन्द्र, आखिरी क्वेश्चन है सुमोटो से, एबीपी से। जैन पीछे पूछे। नमस्कार जैनेन्द्र जी। जी नमस्ते सर, थैंक यू प्रणव सर जी। सर, जो आपने अर्थव्यवस्था की हकीकत बताई है वो सच्चाई है। मेरा सवाल सर दो है। एक तो ये कि क्या कोई सुझाव भी है कांग्रेस की तरफ से सरकार को देने के लिए कि वो कदम उठाए जाएं ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके, एक। और दूसरा कि आपने कहा कि
ऐसे हालात में एक पल भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। क्या कांग्रेस जो है वो वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रही है? आदरणीय मित्र, आपके दो प्रश्न हैं। अर्थव्यवस्था सुधारने का पहला कदम, अगर आप श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के वो सारे पत्र और वो सारी वार्निंग जो इस आर्थिक सुनामी से पहले कांग्रेस पार्टी ने सरकार को आगाह कर दी, उनका अवलोकन करें तो जवाब उनमें मिल जाएगा। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस बारे में सार्वजनिक तौर से लेख लिखे, परंतु प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, स्वास्थ्य की सुनामी हो या आर्थिक सुनामी हो, जब जब राहुल गांधी जी ने ये सारे मुद्दे जनवरी फरवरी से लेकर और आज तक पिछले 8 से 10 महीने में उठाए, तो कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं याद दिलाऊं, ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने कहा था, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना एक महामारी है, तो उन्होंने कहा कोरोना नाम की कोई महामारी या मारी नहीं, बीमारी ही नहीं। ये उनका जवाब था संसद के पटल पर। जब आर्थिक सुनामी की बात राहुल गांधी जी ने की, तो उस समय पीयूष गोयल जी ने, वित्त मंत्री निर्मला जी ने कांग्रेस पार्टी का उपहास मजाक उड़ाया। आज वो सब पूरी दुनिया के सामने खुद देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मजाक का पात्र बन गए हैं। पर दुख की बात यह है कि उनकी इस हठधर्मिता ने, उनके इस अहंकार ने, उनकी इस मदमस्त सोच ने देश को आर्थिक बर्बादी की कगार पर, आर्थिक आपातकाल में धकेल दिया। इसका सीधा सीधा एक हल है, लोगों के हाथ में पैसा डालिए। अगर आप देश के बहुमत के हाथ में 15,000 रुपया डाल दें, जैसा केवल कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने नहीं, नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं हिंदुस्तान के अर्थशास्त्रियों ने भी कहा, देश के पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराव राजन जी ने कहा, उर्जित पटेल जी ने कहा कि आप देश के साधारण लोगों के हाथ में 15,000 रुपया डालिए, उनके खातों में सीधा हस्तांतरण करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ जाएगी। जैसे ही खपत बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई का पहिया चलना शुरू हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था किक स्टार्ट होगी। देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक किक स्टार्ट करने की जरूरत है। ये मालूम प्रधानमंत्री जी को है, 4,00,000 करोड़ रुपया आप पेट्रोल डीजल और दूसरे सेसो सरचार्ज लेकर इकट्ठा करते हैं। प्रधानमंत्री जी, एक साल का वो 4,00,000 करोड़ रुपया, जिसमें ये राशि तो मुश्किल से 2,20,000 करोड़ ही बनती है, ये 4,00,000 करोड़ रुपया आम हिंदुस्तानी की जेब में डाल दीजिए एक साल के लिए, और फिर देखिए कि अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच जाती है। साधारण सॉल्यूशन है, परंतु सरकार है कि मानती ही नहीं। और ऐसे में ऐसी वित्त मंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार जिन्होंने आर्थिक अराजकता की ओर देश को धकेला हो, मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं और देशवासियों के विवेक पर कि क्या उन्हें एक दिन भी अपने पद पर बना रहना चाहिए। जिस वित्त मंत्री ने 24% जीडीपी को डबो दिया हो, जिस वित्त मंत्री ने देश में रोजी रोटी और रोजगार के लाले पड़े हों, जिसके कार्यकाल में, क्या ऐसी वित्त मंत्री को एक क्षण भी अपने पद पर बने रहना चाहिए? हमारा यह मानना है कि वित्त मंत्री को एक क्षण भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। ऐसी वित्त मंत्री को अपने विवेक से, या प्रधानमंत्री को, ऐसी वित्त मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। धन्यवाद सर। 4 साल अभी और है। सैयद जी पूछे आईएनएस से, उसके बाद सुमित, मौसमी, सामिया। सैयद सर, मैं भी करूंगी। रणदीप जी, जिन नेताओं ने पत्र लिखा था सोनिया गांधी जी को कि पार्टी में परमानेंट लीडरशिप हो, सीडब्ल्यूसी का चुनाव हो, वो लोग लगातार
बोल रहे हैं और इंटरव्यूज भी दे रहे हैं. आपने कहा था कि मैटर एंड हो गया है, एवरीबॉडी हैज फेथ इन सोनिया गांधी लीडरशिप, तो क्यों मामला बिगड़ता जा रहा है? रणदीप जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, रमन बोल रहा हूँ. आज मैंने इंटरव्यू पढ़ा आनंद शर्मा जी का, उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन करना अगर विद्रोह है तो हाँ हमने किया, और साथ साथ युवा कांग्रेस में चुनाव शुरू कराने वाले राहुल गांधी के फैसले पर सवाल उठाया, कहा कि अब वहां पे परिवारवाद का सिलसिला शुरू हो गया है. जो तेवर गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो हमारी बात सुननी पड़ेगी. आनंद शर्मा कह रहे हैं कि आत्मचिंतन करना अगर विद्रोह है तो हाँ हमने किया, ये कब खत्म होगा? रणदीप जी, मेरा भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है. सर, सवाल मेरा ये है कि रणदीप जी के ये जो 23 लोगों का जो गुट है, क्या ये कांग्रेस पार्टी में एक सिंडिकेट बन के उभरा है और ये अपने आप में एकजुट है? इंदिरा गांधी के खिलाफ भी एक कांग्रेस पार्टी में ही सिंडिकेट बन के उभरा था, तो इस मौजूदा ग्रुप को राहुल गांधी के विरुद्ध में क्या सिंडिकेट माना जा सकता है? आदरणीय मित्रों, आप तीनों के सवाल मैंने नोट किए. टिप्पणी के बाद मैंने उनकी टिप्पणी का व्याख्यान करते हुए कहा था कि श्रीमती सोनिया गांधी ने सबकी बात सुन ली और अब इसके बाद और कुछ कहने को बचा नहीं. जिस उदार हृदय से श्रीमती सोनिया गांधी ने विरोध के सब स्वरों को आत्मसात किया और कहा कि हम आज भी सबको साथ लेकर चलने को संकल्पबद्ध हैं, उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी के इन रिमार्क्स के बाद कुछ और कहने को बच नहीं जाता. फिर भी अगर किसी साथी के मन में कोई पीड़ा है तो वो जाकर कांग्रेस अध्यक्षा को बता सकते हैं, यही मेरी राय है. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मौसमी, प्लीज सवाल पूछिए अपना. इंग्लिश में बोल दीजिए, इंग्लिश में भी. शुक्रिया. मौसमी जी से मैं सवाल ले लूं. जी सर, शुक्रिया नंबर देने के लिए, मौका देने के लिए. पर सर, ये पूछना चाह रहे थे फेसबुक को लेके, आप लोग ने मसला उठाया और लगातार प्रेस वार्ताएं हुई और कल जो संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी उसमें बीजेपी का काउंटर ऑफेंसिव आया है. उलट, इसके उलट उन्होंने आरोप लगा के नाम गिनाए हैं उन लोगों के जो फेसबुक की मैनेजमेंट में है और उनकी कांग्रेस मानसिकता है, जो उनके फैक्ट चेकर्स हैं वो भी वामपंथी और कांग्रेस माइंडेड है, ऐसा बीजेपी के तमाम सांसदों का कहना था. और सवाल भी उठाया है कि लगातार शोबाजी करने से काम नहीं चलेगा कमेटी में. हम लोग ने एक साल में एक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है और चेयरमैन साहब हर वो जो खबर सुर्खियों में रहती है उस संदर्भ में लोगों को समन करते हैं, पर काम हमारा रिपोर्ट सबमिट करना है, ना सिर्फ शोबाजी और पब्लिसिटी करना. इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है कि काउंटर अटैक जो बीजेपी का है? आदरणीय मौसमी जी, जैसा आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानते हैं, संसदीय समिति की बैठक कॉन्फिडेंशियल होती है, मैं उसका सदस्य नहीं और वहां क्या हुआ मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता. परंतु जो आपने फेसबुक के संदर्भ में कहा मैं जरूर दोहराना चाहूंगा. तथ्य क्या है, वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का सबसे नामी गरामी अखबार है, टाइम मैगजीन दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन्स में से एक है. इन दोनों मैगजीन्स ने और अखबार ने 3 लेख लिखे और उन 3 लेख से क्या तथ्य सामने आए. नंबर 1, फेसबुक इंडिया की हेड माननीय अंकी दास जी अपनी इंटरनल ईमेल्स में मोदी जी को महिमा मंडित कर रही हैं और विपक्ष समेत कांग्रेस के उनको उनके लिए अपमानजनक या गाली गलौज की भाषा शायद उसका इस्तेमाल कर रही. नंबर 2, अंकी दास जी जो फेसबुक इंडिया की हेड हैं, उनका यह कहना है कि उन्होंने मोदी जी को जिताया, यानी यह साफ है कि फेसबुक इंडिया और फेसबुक हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक प्रोसेस के अंदर दखल अंदाजी कर रही है. नंबर 3, व्हाट्सएप के जो मौजूदा मुखिया हैं, जो पब्लिक पॉलिसी हेड भी थे, उनके उनके तथ्य सामने आए कि वो किस प्रकार से भाजपा से संबंधित वेबसाइट्स
चलाते रहे हैं। इसलिए एक बात बिल्कुल साफ है कि फेसबुक इंडिया और व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और स्वाभाविक तौर से निष्पक्ष और गैर राजनीतिक होने चाहिए, उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठनों की बन गई है। वो भाजपा के प्रचार का एक तरह से जमावड़ा बने हैं। और उससे भी संगीन बात जो है कि वो भारत में नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, खास तौर से आप जिस प्रांत से आती हैं वहां पर नफरत फैलाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टिप्पणियां और फेसबुक पोस्ट्स हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, भाजपा विरोधी पेजेस और पोस्ट को हटा रहे हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय प्रजातंत्र में किसी विदेशी कंपनी को दखल अंदाज की इजाजत नहीं। अगर कोई कंपनी भारतीय प्रजातंत्र में दखल अंदाजी कर रही है तो यह अपने आप में एक अपराध है। ये तीनों चीज क्रिमिनल अपराध भी हैं और सिविल अपराध भी। इसकी एवज में पहले व्हाट्सएप को लाइसेंस दिया गया और अब व्हाट्सएप का पेमेंट लाइसेंस भी शायद दिया जा रहा है। हमने केवल ये कहा था कि क्योंकि वो जांच होने ही नहीं दे रहे, जैसे अमेरिका में हुआ, जैसे ब्राजील में हुआ, एक संयुक्त संसदीय समिति जिसमें सब पार्टियों के सदस्य हों वो इसकी जांच करे, फेसबुक के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज हो और फेसबुक इंडिया की ये जो लीडरशिप है जो निष्पक्ष होने की बजाय प्रजातंत्र से छेड़छाड़ का कुत्सित षड्यंत्र कर रही हैं, इनको देश के कानून के मुताबिक सजा मिले। स्वाभाविक तौर से भाजपा, क्योंकि आजकल पीआर एजेंसी बन गई है मोदी सरकार फेसबुक इंडिया की, फेसबुक इंडिया की पीआर एजेंसी और पीआर एजेंट बन गए हैं देश के आईटी मिनिस्टर, तो वो स्वाभाविक तौर से फेसबुक और व्हाट्सएप जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्रकारी टूल है उनके पक्ष में आ खड़े हुए हैं। और इसीलिए संसदीय आईटी कमेटी को अपना काम नहीं करने दे रहे। पर क्या बाहुबल के आधार पर, संख्या बल के आधार पर देश के प्रजातंत्र को तोड़ा जा सकता है? ये बात मैं आपके और आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सुमित अगला सवाल पूछिए। सामी हम कमिंग टू यू। आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है। हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 14 तारीख से और जो क्वेश्चन आवर का टाइम रहता था उसको पूरा कर्टेल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। गवर्नमेंट कह रही है कि पहले भी विपक्ष इसको स्थगित करने की मांग करता रहता था, बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है क्योंकि कोविड का टाइम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, मुसीबत का वक्त है, इसलिए उसे कर्टेल किया गया। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है सर? सर 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 इससे जुड़े मेरा भी सवाल है कि कल देर रात तक गवर्नमेंट ने मान लिया है कि आंसर्ड क्वेश्चन का रिटर्न रिप्लाई देंगे, अलेवन में जो आंसर्ड क्वेश्चन है तो उसका रिटर्न रिप्लाई देंगे। आपके सांसद कितने सख्ती से इस अर्थमेटिक सवाल को मंत्रियों को करेंगे ताकि उसमें रिटर्न रिप्लाई मिलेगा आपको? ये मीनाक्षी जी सन्मार्ग से सर। आदरणीय मित्र, संसद में विधायिकाओं में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक स्टार्ट क्वेश्चन एक अनस्टार्ट। स्टार्ट क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि संसद के पटल पर उस सवाल से जुड़े जवाब में सप्लीमेंट्री सवाल पूछकर सरकार की झूठ, नीतियों की कमी, लोक कल्याणकारी जो निर्णय हैं उनको न लेने का कारण, विरोधी निर्णयों का जवाब और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। मोदी सरकार प्रजातंत्र और संसद दोनों का गला घोटना चाहती है। मोदी सरकार ने पूरी संसदीय प्रणाली पर षड्यंत्रकारी हमला बोल रखा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार संसद को पंगु बना रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार संसद को खारिज करना चाहते हैं। सवालों को, क्वेश्चन आवर को खारिज करने का मोदी सरकार का निर्णय, सरकार की तानाशाही और कुत्सित षड्यंत्र का ज्वलंत सबूत है। क्या कारण है? अगर संसद बैठ सकती है तो मंत्री खड़े होकर स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब और सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब नहीं दे सकते। क्या इसका कोई लॉजिक हो सकता है? क्या सवाल पूछना संसद का समय नष्ट करना है? क्या मोदी सरकार संसद पर तालाबंदी करना चाहती है? क्या मोदी सरकार संसद को पंगु नहीं बना रही? क्या मोदी सरकार देश के 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों की जवाब को की आवाज को पूरी तरह से दबा देना चाहती है? सच्चाई यही है, ये सरकार न सवाल पूछने देती न सवालों का जवाब देती। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। प्रधानमंत्री कोरोना पर, चीन पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक मंदी पर, आर्थिक अराजकता पर, जीएसटी कंपनसेशन पर, जाती हुई जिंदगियों पर, किसान मजदूर की व्यथा पर, आत्महत्याओं पर जवाब देने से घबरा रहे हैं। और इसीलिए मोदी सरकार ने देश के इतिहास में 73 साल में जो नहीं हुआ वो कर रहे हैं। ये संसद को बंधक बना रहे हैं, प्रजातंत्र को बेड़ियों में डालना चाहते हैं और संसदीय प्रणाली जो है उसका खात्मा चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम पुरजोर विरोध करेंगे, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। धन्यवाद। Sir, just an attached question to the same thing that you were saying right now. I have two questions. One was that late last evening, Mr. Prahlad Joshi said that all other political party was taken into confidence by Mr. Arjun Ram Meghwal and V. Muralidharan. They had all spoken and agreed mutually upon to scrap the question hour, barring speaking to Derek O'Brien. So was Congress initially reached out to and they had agreed to the scrapping of question hour? And my second question to you will be, sir, you spoke at length about China's standpoint right now. I would like you to repeat the same in view that yesterday, once again, the government has banned 118 Chinese apps. And they are also doing some Indian troops movement in Pangsong So Lake area to try and thwart the PLA movement, to vindicate the Indian forces' standpoint that they are well within their right and gallant enough to teach them befitting lesson and ward them off from Indian soil. I would draw your kind attention to Shri Adhir Ranjan Chaudhary's letter and his remarks, who's the leader of the Congress parliamentary party in Lok Sabha. I would also like to draw your attention to the remarks of the deputy leader of the Congress party in parliament, Shri Gaurav Gogai, who held a press conference and stated the truth absolutely and clearly. The parliamentary affairs minister is speaking a white lie. Non-holding of question hour, non-holding the government accountable to the public interest questions raised in parliament in the starred category is an assault on India's democracy and a sinister design to undermine the parliament of the country and the parliamentary practices. We all know that there are starred and unstarred questions. In the starred question category, the minister concerned has to answer supplementary questions. The central idea is to hold the government accountable, to expose government's lies, to ensure that public welfare steps are taken, and affix accountability of government to Parliament of India and through it to 130 crore people of India. By abolishing the question hour, this government is running scared of answering the relevant questions to people of India through their elected representatives. Modi government does not want to answer
on the brazen transgressions by China onto the Indian territory. Modi government does not want to answer about the plunder of Indian economy and the GDP in a free fall. Modi government does not want to answer as to why for the first time in 73 years, GDP has fallen by -24% and is falling more rapidly even now. Modi government does not want to answer for the over 12 crore job losses. Modi government does not want to be held accountable on Corona. Modi government does not want to be held accountable on the closure of businesses and industries. Modi government does not want to be held accountable on the sinister stifling of democracy per se. And that's why it wants to end question hour. Congress party will oppose it tooth and nail. Thank you. I think we can wind it up now. Ji sir, we can wind up. Thank all the friends for joining in today. We'll be releasing the press releases. Thank you.